सच कहूँ मैं आपका स्वागत है। मैं हूँ चांदपुर पिल्लीखेड़ा। आज हम पहुँचे हैं सपेदा विधानसभा क्षेत्र में। कांग्रेस पार्टी ने सुभाष गांगुली को सपेदा विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार उतारा है। आज सपेदा से सुभाष गांगुली अपना नामांकन भरने आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं उनके समर्थकों में आज कितना जोश दिखाई दे रहा है। सपेदा से चांद पिल्लीखेड़ा की रिपोर्ट। बुधवार रात को 12 बजे कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें सफीदो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने समाज सेवी सुभाष देशवाल गांगुली को टिकट देकर अपना उम्मीदवार उतारा। वीरवार को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुभाष गांगुली ने सफीदो हलके से अपना नामांकन भरा। अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन भरने से पहले सफीदो में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देशवाल ने कहा कि भाजपा के समय में डीजल 75 पार है और पेट्रोल भी 75 पार है, उसी के साथ आज डॉलर और रूबल 75 पार हो गए हैं। अब जबकि भाजपा 75 पार का नारा दे रही है, तो भाजपा को कांग्रेस अब यमुना पार कराएगी। सुभाष देशवाल ने अपने समर्थकों को काफी जोश भरे अंदाज में संबोधित किया। मैं तो ये कहता हूँ कि बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ये जो बीजेपी की सरकार है, इतना जो बीजेपी की सरकार ने वो किया हुआ भ्रष्टाचार किया हुआ है, दूसरे मदों में कितना हमारी आर्थिक व्यवस्था का क्या हाल है। 5% की आर्थिक ग्रोथ जहां कभी 8% की होती, कांग्रेस के राज में 8% की होती थी, अब तो ये 75 पार की बात करते हैं। क्या है 75 पार? डीजल है 75 पार, पेट्रोल है 75 पार, प्याज है 75 पार, डॉलर है 75 पार, रूबल है 75 पार, ये तो सारी चीज़ें। और अब इनको करो जमुना के पार, यूपी में अपना काम करेंगे, हम हरियाणा से इनको खदेड़ के रहेंगे और हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और वही दिन फिर वापस आ जाएंगे।